नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बिहार में एक ऐसी मशीन बनी है जिसमें इधर से प्लास्टिक डालने पर उधर से पेट्रोल निकलता है, तो आप शायद ही यकीन करेंगे। लेकिन यकीन कीजिए, ये जितनी सही खबर है उतनी ही असली व मशीन भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन की मदद से सिर्फ 6 रुपए के प्लास्टिक कचरे से 70 रुपए का पेट्रोल बन जाता है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने वाली यूनिट खोली गई है। इसका उद्घाटन बिहार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया। पूरे देश में इकलौता ऐसा प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बीते दिनों जब इस प्लांट का उद्घाटन किया गया तो इसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में इस मशीन के प्रति विश्वास बढ़े इसके लिए मंत्री जी ने लगे हाथ 10 लीटर डीजल भी खरीद लिया। उद्घाटन के दिन इस मशीन द्वारा 40 किलो प्लास्टिक कचरे से 37 लीटर डीजल तैयार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरे से या तो 150 लीटर डीजल या फिर 130 लीटर पेट्रोल तैयार होता है। सबसे पहले कचरे को ब्यूटेन में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। फिर मशीन में ही अलग अलग दबाव और तापमान से आइसो ऑक्टेन को डीजल या पेट्रोल में बदल दिया जाएगा। ऐसे समझिए कि 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डीजल और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेट्रोल बन सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 8 घंटे तक का वक्त लगता है। जहां तक रॉ मटेरियल की बात है तो इसके लिए नगर निगम से 6 रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा खरीदा जाएगा। इस यूनिट में तैयार डीजल पेट्रोल की सप्लाई किसानों के अलावे नगर निगम को भी होगी। ये यूनिट 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल बेचेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की PMEGP योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए लोन लेकर इस यूनिट को खोला गया है। ये देश ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र ऐसा प्लांट बन गया है जहां प्लास्टिक से डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। इसका पेटेंट मुजफ्फरपुर की ही संस्था ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी को मिला है। कम से कम इस बढ़ती महंगाई के दौर में अब किसानों को सस्ते में पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से थोड़ी राहत दे दी गई है, लेकिन 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर पेट्रोल और डीजल मिलेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े राहत की बात है, खास करके उन किसानों के लिए जो बहुत ही मुश्किल से डीजल पेट्रोल के पैसे जमा कर पाते हैं और उससे ही अपनी खेती करते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।